हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठना आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। जो हाईलाइटेड वर्ड कर रखा है मैंने स्कूल, इसके आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव और फोर्थ एडवर्ब। चारों में से क्या है बताइए आप। ये स्कूल क्या है? देखो, ये कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है स्कूल, फिर भी बहुत से मेरे भाई लोग ये गलत बता सकते हैं, ध्यान रखना। देखिए, एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बचपन में नाउन की, द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो ये प्लेस है स्कूल, तो ये नाउन हो गया क्या? प्लेस है तो। देखिए, वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे ये नाउन नहीं है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कैसे हो गया ये देखिए आप। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड करती है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। अगर आपने प्लेसमेंट इधर से उधर कर दी तो उसकी फिर ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो जाती है। प्लेसमेंट कहाँ है ये देखना पड़ती है, इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर। देखिए, ये दिख रहा है आपको बस। बस क्या है? बस एक थिंग है, बस एक नाउन है, और नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, इसलिए कभी भी रटना नहीं कि ये होता है, ये क्या होता है समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्कूल प्लेस होने के बाद भी नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अब नीचे वाला देखिए आप, ये बताइए ये स्कूल क्या है? आई स्टडी इन दिस स्कूल, में इस स्कूल में पढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ पे नाउन है, ध्यान रखना। ऊपर वाले में एडजेक्टिव था और यहाँ पे नाउन है। ये डेफिनेशन यहाँ फिट बैठ रही है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे जो प्लेस है स्कूल, ये नाउन है, बट ये यहाँ पे एडजेक्टिव था। क्यों था? क्योंकि ये बस है ना, नाउन है, और नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। कौन सी वाली बस? कि स्कूल बस। इस बस को क्वालिफाई कर दिया इसने, और यहाँ पे नाउन है, नीचे वाला ध्यान रखना। इसलिए कभी भी रटना नहीं, हमें हमेशा हमें समझ के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना है, रटने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका, सी स्विमिंग, वो तैर रही है। अब स्विमिंग के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी क्या है, और देखिए नीचे भी स्विमिंग ध्यान रखना, इन दोनों के बतानी आपको। तो ये ऊपर वाली स्विमिंग जो है वर्ब है, सी स्विमिंग में स्विमिंग वर्ब है, और ये नीचे वाली जो है ना, इसमें वर्ब है क्या बताइए आप। तो देखिए, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें ये नाउन है। अभी नाउन कैसे हो गई? देखिए, वर्ब में हम आईएनजी यूज़ करते हैं ना, और अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर वो हो जाता है जिरंड। जिरंड मतलब नाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी यूज़ कर रहे हो तो वो कहलाता है जिरंड, और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना काम करता है तो ये नाउन है, आप ध्यान रखना। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब दिख रही है आपको, वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन तो ही नहीं है, नाउन है, तो ध्यान रखना। आप ऊपर वाली वर्ब थी, नीचे वाला नाउन है। फिफ्थ आप देखिए, आई लिव इन भोपाल। अब भोपाल के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है क्या भोपाल क्या है। तो देखिए अगेन, फिर यहाँ पे वही पर्सन प्लेस और थिंग। तो भोपाल पे प्लेस है, बट यहाँ पे नाउन है क्या? देखिए, यहाँ पे नाउन नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। आई लिव इन भोपाल में भोपाल एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अब ये एडवर्ब कैसे हो गया देखिए, आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो ये लिव है ना वर्ब, इसको क्वालिफाई कर रहा है। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? क्या भोपाल में रहता हूँ, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब हो जाएगा। और नीचे वाला भोपाल क्या है? ये भी एडवर्ब है क्या? तो ये नीचे वाला भोपाल एडवर्ब नहीं, ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सिटी का नाम है, भोपाल इज ए बिग सिटी, और ये यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, इसलिए ध्यान रखना। प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। जैसे आपने वर्ड इधर से उधर प्लेस करा तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज हो जाती है, इसलिए रट के कभी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका, आई लाइक यूअर, फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेस्ट और सेकंड है ऑनेस्टी। बताइए दोनों में से कौन सा राइट रहेगा। देखिए छोटी सी हिंट बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये योर,
योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं, देखिए इनके बाद हमेशा नाउन यूज होता है, ध्यान रखना। तो इन दोनों में से नाउन कौन सा है, देखिए कुछ वर्ड नोट डाउन कर लीजिए, जैसे यूअर हो गया, ये माए है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। हर हीज, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके बाद हमेशा नाउन की जरूरत पड़ती है, ये बिना नाउन के आते ही नहीं, ध्यान रखना। तो इसमें नाउन हो जाएगा ऑनेस्टी, ईमानदारी। फर्स्ट वाला एडजेक्टिव ध्यान रखना, ये जो है ना ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए नाउन। आई लाइक यूर ऑनेस्टी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। नेक्स्ट आप देखिए ही इज डैश पर्सन, इसमें इसके लिए भी ये दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। इसमें तो बताइए कौन सा लगाऊं मैं, नीचे वाले में, ऊपर वाला का आंसर तो बता दिया मैंने, ऑनेस्टी आएगा उसमें, नीचे वाला बताइए आप, ही इज ए डैश पर्सन से पहले क्या लगा। तो देखिए पर्सन एक नाउन है, और नाउन से पहले हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह ईमानदार व्यक्ति है। आइडेंटिफाई द नाउन, इनमें से आपको नाउन बताना है, चारों में से नाउन बताइए कौन सा है। फर्स्ट है ब्यूटीफुल, सेकंड है ब्यूटीफाई, थर्ड है ब्यूटीफुली, और फोर्थ है ब्यूटी। बताइए चारों में से कौन सा नाउन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटी, सुंदरता, ये ब्यूटी नाउन है, ध्यान रखना। ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है, ये सेकंड वाला जो ब्यूटीफाई ये वर्ब है, और थर्ड वाला जो एडवर्ब है, और हमें नाउन पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्यूटी। अब बताइए सम की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, क्लास में तो कुछ लड़के एबसेंट थे भैया, तो सम क्या है बताइए आप। फर्स्ट ऑप्शन नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, और फोर्थ एडजेक्टिव। और नीचे भी देखिए सेम है सम, इसकी भी आपको बताना है, और दोनों के लिए ऑप्शन ये है, ऊपर दिख रहा है आपको चारों ऑप्शन दोनों के लिए। तो देखिए ऊपर वाला जो सम है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाएगी प्रोनाउन, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एंड प्रोनाउन। सम ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो नीचे वाला भी प्रोनाउन है क्या, क्योंकि स्पेलिंग तो दोनों की सेम है, बताइए आप। ऊपर वाला तो हो गया प्रोनाउन, नीचे वाला क्या है, देखिए नीचे वाला हो जाएगा एडजेक्टिव। अभी ऊपर वाला प्रोनाउन क्या हुआ और नीचे वाला एडजेक्टिव क्या हुआ, देखिए आप, देखिए ये है सम, सम प्रोनाउन का रोल भी प्ले करता है और एडजेक्टिव का भी करता है। अब कब करेगा देखिए, सम के बाद क्या यूज हुआ है, ऑफ, ध्यान रखना। सम के बाद जब भी ऑफ यूज होगा तो ये हमेशा प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स, ये जो लिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ की बात कर रहा है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में तो कुछ, और यहाँ देखिए अभी नीचे वाले सम के बाद क्या नाउन है, और नाउन से पहले हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। ये मत रट लेना आपके नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, उससे पहले आर्टिकल भी आता है, उससे समझना पड़ेगा कब क्या आता है। बट ये इस मनी को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, ये एडजेक्टिव, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, तो नाउन से पहले यूज हुआ तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये ऑफ से पहले यूज हुआ तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप नाउ यू विल बी एबल टू डील विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट। गुड बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।